गुड मॉर्निंग, मेरे सब आईटीएफ के इंटरनल ऑडिटर्स को गुड मॉर्निंग। ये सब जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आज कल हम दो दिनों में अवेयरनेस पहले देखने वाले हैं और उसके बाद में इंटरनल ऑडिटर्स का कोर्स हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। आईटीएफ की रिक्वायरमेंट जैसे बाकी सब स्टैंडर्ड्स में है कि इंटरनल ऑडिटर्स होने चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इंटरनल ऑडिट्स उसमें क्या क्या आएंगे, चार बेसिक चीज़ें ध्यान में रखिए, QMS ऑडिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट और एक और चीज़ उसमें है, वो है सप्लायर ऑडिट्स, वो डिटेल में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि IATF का बैकग्राउंड क्या है ना, उसमें मैंने बताया आपको रिलीज़ कब हुआ, सीरियल नंबर क्या है, रिलीज़ किसने किया वगैरह वगैरह, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, QS 9000 1998। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखिए IATF 16949 2016, इसमें ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट्स तो है लेकिन ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये आधारित है ISO 9001:2015, ये ध्यान में रहेगा ISO 9001:2015। आपको ISO स्टैंडर्ड की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स देता है, जनरल रिक्वायरमेंट देता है और उसमें हर क्लॉज में ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट्स ऐड करके रिलीज हुआ है स्टैंडर्ड IATF 16949। इतना ध्यान में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको IATF के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ये दोनों स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है, ISO 9001:2015 और IATF 16949:2016। किसी ने अगर पूछा कि IATF का बेस स्टैंडर्ड क्या है, तो आप निस्संदेह बताइए ISO 9001:2015। अगर किसी ने पूछ लिया कि जो पहले ISO TS 16949:2009 था वो किसके ऊपर आधारित था, तो एक साल पीछे कीजिए, ISO 9001:2008। आसान याद रखना। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा कि TS 16949:2002 किसके ऊपर आधारित था, तो इस बार दो साल पीछे कीजिए, ISO 9001:2000। और थोड़ा और पीछे चलें, QS 9000:1998 किसके ऊपर आधारित था, तो ISO 9001:1994 उसमें 20 क्लॉजेस हुआ करते थे। ISO 9001:1994 में कितने क्लॉजेस थे, 20 क्लॉजेस थे। उसके बाद में जब ISO को पूरी तरह से रिफर्बिश करके पब्लिश किया गया 2000 ईयर में, तो उसमें कितने क्लॉजेस रह गए, 8। सो ISO 9001:2000 में 8 क्लॉजेस, उसके बाद 2008 में 8 क्लॉजेस, और लेकिन अभी जब ये ISO 9001:2015 पब्लिश हुआ उसमें कितने क्लॉजेस है, 10। तो अभी हमको कितने क्लॉजेस ध्यान में रखने हैं, 10। उस क्लॉजेस के बारे में डिटेल में देखेंगे दो मिनट से, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखिए कि इस IATF में मेजर क्लॉजेस जो है वो है 10। उसमें के शुरुआती तीन क्लॉजेस जो है, क्लॉज नंबर 1, 2, 3, वो है रेफरेंस क्लॉजेस। रेफरेंस क्लॉजेस मतलब उसका मार्गदर्शन के लिए उपयोग हमको करना है, लेकिन उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक नंबर है स्कोप, दो नंबर है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, तीन नंबर है टर्म्स एंड डेफिनेशंस, और उसके बाद में 4 से लेकर 10 तक जो क्लॉजेस है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 7 क्लॉजेस जो है उसकी स्टडी हमको डिटेल में करनी है। तो इंटरनल ऑडिटर्स जो होंगे, उन इंटरनल ऑडिटर्स को ISO 9001:2015 के क्लॉजेस
और IATF 16949 2016 के सारे क्लॉजेस एटलीस्ट मालूम होने चाहिए, बाय हार्ट उसका पाठांतर करना उतना आवश्यक नहीं है, उसका क्रैमिंग करना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके हर क्लॉज का इंटेंट आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी दिशा क्या है, वो क्या चाहता है, किस प्रकार का कंप्लायंस वो क्लॉज चाहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक अच्छा ऑडिटर के रूप में आपको स्टैंडर्ड को पढ़ते आना चाहिए, स्टैंडर्ड का क्लॉज पढ़ के उसका मीनिंग निकालते आना चाहिए और वो क्या आपसे अपेक्षा कर रहा है, क्या लिखा हुआ है और उसकी अपेक्षाएं क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो वो डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। तो IATF 16949 2016 मेन चीज ध्यान में रखिए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, ऑटोमोटिव सप्लायर के लिए एप्लीकेबल है, ऑटोमोटिव चेन के लिए एप्लीकेबल है। ऑटोमोटिव सप्लायर का मतलब क्या हुआ, ऐसा मैन्युफैक्चरर जो ऐसे पार्ट बनाता है जो फोर व्हीलर्स में जाके लगते हैं, ये बेसिक चीजें ध्यान में रखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होगा नहीं, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में यूज होगा नहीं, केमिकल इंडस्ट्रीज में लगेगा नहीं, कहां लगेगा, ऑटोमोटिव सेक्टर। बस इतना ध्यान में रखिए। IATF 16949 2016 का सर्टिफिकेट तो आपको मिल गया, कितने दिनों तक वैलिड रहेगा वो, 3 years। उसकी वैलिडिटी कितनी है, 3 years, 3 साल के बाद होगा रीसर्टिफिकेशन। तो 3 साल तक दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं है, नहीं है, हर साल एक एनुअल ऑडिट होगा हर साल बाद, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 12 months। तो 12 महीने बाद सर्टिफिकेशन बॉडी, सर्टिफाइंग बॉडी आके ऑडिट करेगी, उसका नाम है सर्वेलेंस ऑडिट। तो बस साल भर के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है क्या, तो भाई साहब साल भर के बाद तो एक्सटर्नल बॉडी आके ऑडिट करेगी, जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, लेकिन उस साल के अंदर हमको करने हैं इंटरनल ऑडिट्स। कौन करेगा वो, आप करेंगे इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल लोग करेंगे, कॉम्पिटेंट ऑडिटर्स करेंगे। कहाँ पे करेंगे, दूसरे फंक्शन में करेंगे। अगर मैं QA में काम कर रहा हूँ तो मैं QA का ऑडिट नहीं करूँगा, मैं अगर MR हूँ तो मैं MR का ऑडिट नहीं करूँगा, मैं अगर डिज़ाइन डेवलपमेंट फंक्शन संभाल रहा हूँ तो मैं डिज़ाइन डेवलपमेंट फंक्शन का ऑडिट नहीं कर सकता हूँ, मैं बाकी सब डिपार्टमेंट्स करूँगा। मैं QA कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, परचेस कर सकता हूँ, HR कर सकता हूँ, लेकिन मैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट नहीं करूँगा। ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखेंगे, उसका बेसिक वाक्य ध्यान में रखिए, ऑडिटर शैल नॉट ऑडिट हिज ओन डिपार्टमेंट, ये ध्यान में रहेगा, फाइन। तो मैंने क्या क्या बताया अभी तक, पहले मैंने आपको बताया कि IATF स्टैंडर्ड कहां पे लगता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में लगता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसका बेस स्टैंडर्ड कौन सा है, तो ISO 9001 की अलग अलग वर्जन जो है वो इसके बेस स्टैंडर्ड्स में है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन पीरियड कितना है, 3 years, सर्विलेंस पीरियड कितना है, 1 year, और इंटरनल ऑडिट कितने है, एट ए डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी आपको तय करनी है, आपको तय करनी है, मतलब टॉप मैनेजमेंट तय करेगी, उसके बाद या तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में, MRM के मिनट्स ऑफ मीटिंग में, या वर्क प्रोसीजर में आपको वो डॉक्यूमेंट करनी है कि हम 3-3 महीने बाद ऑडिट करेंगे, जो भी हो आपको लिखनी है। लेकिन आपको इंटरनल ऑडिट इस प्रकार से प्लान करने हैं कि पूरे 12 महीने में जितनी भी प्रोसेसेस है वो सारी प्रोसेसेस उस कंपनी के अंदर की कवर
ऑडिट में हो जाने चाहिए। इसका मतलब हर प्रोसेस का ऑडिट साल में कम से कम एक बार होना आवश्यक है, ओके? और इस बात का रिव्यू होगा एमआरएम में। एमआरएम कितने दिनों में होनी चाहिए, कुछ कहता है क्या स्टैंडर्ड इसके बारे में? तो हाँ, स्टैंडर्ड का क्लॉज जो है, क्लॉज नंबर 9.3.1, वो आपको कहता है कि एमआरएम की फ्रीक्वेंसी कम से कम एनुअली होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बोलो हमारे कंपनी में हम 5 साल में एक बार करेंगे एमआरएम, नहीं। डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी का मतलब साल में कम से कम एक बार होना चाहिए। अगर आप हर 6-6 महीने बात करो बढ़िया, अगर हर 3 महीने बात करो और अच्छा है, लेकिन कम से कम एक बार एमआरएम साल में होनी जरूरी है। रह गया याद, फिर मैंने आपको और क्या बताया, हाँ क्लॉजेस बताया ना मैंने आपको, टोटल क्लॉजेस कितने हैं आईआईटीएफ में? 10 ध्यान में रखिए, टोटल 10 क्लॉजेस है। उसमें से 3 क्लॉजेस जो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो खाली रेफरेंस क्लॉजेस है। एक्चुअल क्लॉजेस जो आपको याद रखने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इतना ध्यान में रहेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इन क्लॉजेस के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, ओके? मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा अभी और धीरे धीरे।